नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आप देख रहे हैं स्टडी विद हेमंत यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों सीजी बोर्ड में आपके ओपन स्कूल एग्जामिनेशन के पेपर चल रहे हैं, जो कि ओपन बुक पद्धति से लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम आपको भौतिक का सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है। इससे पहले हम आपको हिंदी एंड बायोलॉजी का सॉल्यूशन दोस्तों बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको सॉल्यूशन की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी PDF की, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। दोस्तों टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था किसी, ठीक है, क्वेश्चन के मैंने यहाँ पर आंसर लिख लिया। पहले का आंसर है किसी पिंड के गति के अध्ययन का प्रारंभिक क्षण, ठीक है। दूसरे का आंसर हो जाएगा देखिए ML2 और T-inverse 2, ठीक है। आई थिंक ऊर्जा का विमी सूत्र पूछा गया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है हमारा न्यूटन, ठीक है। बल का हमसे दोस्तों ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, बल का ऐसा ही मात्रक हमसे पूछा गया था। तो बल का दोस्तों ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। अगर हमसे CGS मात्रक पूछा जाता, CGS, ठीक है, CGS मात्रक होता है दोस्तों डायन, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन आपका डायन है, ठीक है। लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा न्यूटन, ठीक है, जैसे कैपिटल N से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है अधिकतम, चौथे का आंसर दोस्तों होगा आपका अधिकतम, जैसे हम इंग्लिश में मैक्सिमम बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है तो उनको भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए पांचवें का होगा अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है, जिन्हें क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की जो अनुप्रस्थ तरंगे होती किसी भी माध्यम में गमन कर सकती हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रस्थ तरंगे। फिर आएगा आपका पांचवें का जो आंसर है, सॉरी छठे का, कूलाम, ठीक है, कूलाम, इस तरीके से आपको लिख देना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आएगा, 12 के भी आंसर यहाँ पर लिख दिए गए। देखिए जो आपका, देखिए यहाँ पर क्या सातवें का आंसर आएगा 2m/π/r है, ठीक है। फिर देखिए इसमें आएगा बैगनी, फिर आएगा शुद्ध सिलिकॉन में, ठीक है, शुद्ध सिलिकॉन और गैलियम धातु दोनों के नाम लिखे गए हैं। फिर है एक्स का आएगा आपका 1.66 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम। चलिए मैं एक बार और क्लियर लिख के आपको बता देता हूँ, 1.66 × 10⁻¹⁹ किलोग्राम, इस तरीके से आपका इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर है चाल और वेग में अंतर लिखने थे दोस्तों हमें। देखिए चाल क्या होती है, चाल अदिश राशि है, ठीक है, और जबकि वेग क्या है दोस्तों, सदिश राशि है, ठीक है। चाल को दूरी प्रति समय के अनुसार और वेग को विस्थापन प्रति समय के अनुसार मापा जाता है, ठीक है। ये आपको दोनों पॉइंट रखने, मैंने एक ही पॉइंट में दोनों कवर कर दिए। यहाँ पर देखिए चाल को दूरी प्रति समय के अनुसार मापा जाता है और वेग को विस्थापन प्रति समय के अनुसार मापा जाता है। दोस्तों द्वंग का ही प्रश्न है तो इतना ही लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्रमांक 3 तक किसी पदार्थ की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो उसके अंदर इकाई दूरी अवस्था में रहती है। इस तरीके से आपको आगे नीचे देखने को मिल जाएगा, इकाई अवस्था में परिवर्तन के समय अवशोषित की जाती है या मुक्त की जाती है। इसके अलावा पदार्थ जब अपनी कला बदलते हैं तब भी गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा का आदान प्रदान करना। हेलो दोस्तों, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराए मत, सबका सॉल्यूशन डाउटनेट। दोस्तों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन की फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना और 5 सेकंड के अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE बोर्ड का हो, UP, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP या फिर किसी भी बोर्ड का हो, चाहे IIT, NEET या क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी कोर्स का सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। साथ ही आप डाउटनेट ऐप पर पढ़िए कोटा के बेस्ट फैकल्टी सर, GB सर, NG सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर, यानी पूरी पढ़ाई अब डाउटनेट ऐप पर है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप का पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। ना पड़ता है तो ये आपका गुप्त ऊष्मा से क्वेश्चन का आंसर हो गया। फिर देखिए नॉट गेट और एंड गेट के बारे में बताना है। देखिए आप देख सकते हैं नॉट गेट और एंड गेट के संयोग से बने गेट को नंद गेट कहते हैं। तो हमसे नंद गेट पूछा गया था, तो नंद गेट कैसे बनता है दोस्तों, एक तो हमारे पास नॉट गेट होना चाहिए और एक हमारे पास होना चाहिए एंड गेट। अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो हमें नंद गेट प्राप्त होता है, ठीक है। इसमें गेट को पहले प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं इसका डायग्राम भी दोस्तों बना हुआ है, इस तरीके से आपको इसका जो डायग्राम है दोस्तों इस तरीके से आपको ये बना देना है, ठीक है। इस तरीके से भैया आपकी देखिए साड़ी दी गई, सत्ता साड़ी यहाँ पर इस तरीके से आपको बना देनी है, ठीक है। बुलियन प्रतीक भी आपको दिया गया है। यहाँ पर देखिए बुलियन इसका होता है ए बराबर का, होता है AB-XT के, इसका बुलियन व्यंजक होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ से दिएगा, इंटरनेट से, तात्पर्य एक ऐसे नेटवर्क से है जो दुनिया भर के क्या है करोड़ों कंप्यूटर से जुड़ा है। दोस्तों क्लास 10th में भी आपने इंटरनेट के बारे में पढ़ा हुआ, चाहे तो आप 10th का भी ले सकते हो, कोई इसमें परेशानी नहीं है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये थोड़ा क्लियर नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आप आसानी से इसको उपयोग लिख पाएंगे इंटरनेट के, ठीक है।
तो दोस्तों यहाँ कितने क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं क्लास 12 फिजिक्स के, ठीक है। इससे पहले दोस्तों अगर आपने हिंदी और बायोलॉजी के नहीं देखा है सॉल्यूशन तो जाकर जरूर देख लीजिए, आपको बहुत ही वीडियो पसंद आएगी क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत से उनका सॉल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है और पूरा सही सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। दोस्तों आप चाहते हैं कि इसके आगे का सॉल्यूशन आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाए, दोस्तों आपको इस वीडियो पर क्या है 50 लाइक कर देने हैं, जैसे 50 लाइक दोस्तों कंप्लीट होते हैं इससे आगे का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो को समाप्त करते हैं, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।